नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज एबीसी। मैं हूं निखिल और हम लोग क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो इससे रिलेटेड इस चैप्टर जो जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वाले वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं इस वाले पार्ट को। तो ये जो वीडियो है काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए इसका पहले क्वेश्चन को बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे, द कलर ऑफ द सोल्यूशन ऑब्जर्व आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ प्लेसिंग जिंक मेटल टू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज। ठीक है, तो कलर क्या हो जाएगा सॉल्यूशन का अगर कोई जिंक मेटल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दिया जाए। ठीक है, तो इसके ऑप्शन भी दिए हुए, ब्लू हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, ड्राई ग्रीन हो जाएगा, डर्टी ग्रीन हो जाएगा, या फिर रेडिश ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का जब क्वेश्चन आए तो सबसे अच्छा उपाय यही है कि इसका रिएक्शन बना के लिख लेते हैं। अगर आपको आता है तो आप डायरेक्ट आंसर लिख लेंगे, अगर नहीं आता है तो इसका रिएक्शन फटाक से लिख लीजिए। तो इसका हो जाएगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, मैंने इसमें क्वेश्चन में बताया गया कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक डाला गया, तो कॉपर सल्फेट CuSO4। ठीक है, इसके बाद इसमें जिंक डाला गया। ठीक है, तो इसका क्या रिएक्शन बन के आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा जिंक सल्फेट बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर यहाँ पे डिस्प्लेस हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये एग्जाम्पल हो जाएगा। तो कॉपर सल्फेट होता है जब जब सोल्यूशन में होता है तो ये ब्लू कलर होता है। ओके, ब्लू कलर होता है, लेकिन जिंक सल्फेट होता है इसका कलर व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म पे ये आ जाएगा। ठीक है, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म पे ये आ जाएगा तो ये पूरे सॉल्यूशन को कलरलेस कर देगा। ठीक है, क्योंकि इसमें डिजॉल्व होगा नहीं, वो नीचे सॉल्यूशन में बैठ जाएगा और पूरे सॉल्यूशन को ये कलरलेस कर देगा। तो जिंक, जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि ब्लू होगा उसमें अगर हम जिंक मेटल डालेंगे तो पूरे सॉल्यूशन को ये कलरलेस कर देगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पे ये सही हो जाएगा। ओके, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एक्सोथर्मिक इसमें प्रोसेस या एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन कौन सा होगा इसमें, तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड तीसरा ऑप्शन है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, और चौथा ऑप्शन है सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर। ठीक है, कपूर का सब्लिमेशन। तो इसमें से कौन सा होगा पहले तो ये ढूंढना है, उसके बाद इसमें कॉम्बिनेशन दिया हुआ है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही होगा। तो ये कॉम्बिनेशन ABCD में से ये आपको आंसर लेना, इसमें से नहीं लेना। ठीक है, तो पहले ये क्वेश्चन का ही पार्ट हो गया। तो पहले ये देखते हैं कौन कौन सा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम। ठीक है, तो क्विक लाइम हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ वाटर को रिएक्शन करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, CaOH2। ठीक है, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं जैसे ही चूना कैल्शियम ऑक्साइड पे क्विक लाइम पे हम लोग वाटर डालेंगे तो काफी हीट रिलीज होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सेट लाइम बनता है। उसका डाइल्यूशन ऑफ एसिड आप जानते हैं जैसे कि H2SO4 में, HCl में, ये सब में आप जैसे ही वाटर ऐड कीजिएगा इसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। ठीक है, तो ये भी पहला वाला जो है स्टेप ये जो दिया हुआ है ये भी हो जाएगा एक्सोथर्मिक, दूसरा जो है ये भी एक्सोथर्मिक हो जाएगा। इवेपोरेशन ऑफ वाटर में क्या होता है, जब वाटर जो है वो एटमोस्फेयर से हीट को एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद वो एवेपोरेट होता है, तो ये एक्सोथर्मिक नहीं हुआ, ये इंडोथर्मिक का एग्जांपल हो गया। उसी तरह से बात करें सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर की, तो सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर में बाहर से हीट प्रोवाइड करेंगे कैम्फर में तो वो सीधे सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट में चला जाएगा, तो ये भी एग्जाम्पल हो जाता है इंडोथर्मिक प्रोसेस का। तो ये दोनों इंडोथर्मिक हो गया, तो एक्सोथर्मिक हमें यहाँ पे निकाल रहा पूछ रहा, तो ये दोनों फर्स्ट एंड सेकंड एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल हो गया। तो फर्स्ट एंड सेकंड कहाँ, तो पहला वाला ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। तो रिएक्शन ऑफ वाटर विद क्विक लाइम ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और दूसरा हो जाएगा डाइल्यूशन ऑफ एसिड, तो ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट विच फॉर्म सॉलिड स्टेट इन द रिएक्शन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। ठीक है, इस तरह का जो अगर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, रिएक्शन पूछता है उसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या निकलेगा, तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप चुपचाप इसका रिएक्शन लिख दीजिए, रिएक्शन लिखने पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है जो कि सॉलिड स्टेट में फॉर्म होगा इन द रिएक्शन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड बैरियम क्लोराइड। तो सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड का हम लोग रिएक्शन लिख लेंगे सबसे पहले। तो सोडियम सल्फेट हो जाएगा Na2SO4। ठीक है, सोडियम सल्फेट के साथ ये बैरियम क्लोराइड को रिएक्शन में ले रहा है, BaCl2 बैरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन में अगर इसको हम डालेंगे तो ये हमारा प्रोडक्ट बन के आ जाएगा, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बनेगा, NaCl2NaCl बन जाएगा, अब प्लस यहाँ पे बन जाएगा बैरियम सल्फेट BaSO4। बैरियम सल्फेट होता है ये व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म पे ये डिकम्पोज वहां पे डिपॉजिट हो जाएगा सॉल्यूशन में, जैसे ये दोनों को मिलाएंगे सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड को मिलाएंगे तो ये सॉलिड स्टेट में फॉर्म करेगा। सोडियम क्लोराइड जो वाटर में रहेगा वो एक्वा सॉल्यूशन में आ जाएगा। ठीक है, ओके, ये जो बैरियम सल्फेट है यही व्हाइट प्रेसिपिटेट सॉलिड स्टेट के फॉर्म में यहाँ पे प्रेसिपिटेट होगा, तो बैरियम सल्फेट इसका आंसर हो जाएगा। तो बैरियम सल्फेट बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन Ag मतलब कि सिल्वर इज एक्सपोज टू एयर इज गेट ब्लैक
कोटिंग ऑफ। तो कभी भी सिल्वर का जो आइटम है इसको अगर हम लोग एयर में एक्सपोज करते हैं तो थोड़ा लंबे समय के बाद इसमें यह हल्का ब्लैकिश हो जाता है। तो ये ब्लैकिश हो जाता है सल्फर होने के कारण। तो कभी भी सिल्वर में अगर हम लोग एटमोसफेयर से जो सल्फर का जो मॉलिक्यूल्स जैसे रहते हैं, सल्फर के कंपाउंड जैसे कि हो गया कि हाइड्रोजन सल्फाइड अगर गैस थोड़ा बहुत है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, तो ये सबसे रिएक्ट करके एटमोसफेयर में अगर सल्फर है तो सल्फर से रिएक्ट करके ये Ag2S सिल्वर सल्फाइड का फॉर्म कर जाता है। सिल्वर सल्फाइड बनने के कारण ही ये ब्लैकिश सरफेस हो जाता है सिल्वर के ऊपर। तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर सल्फाइड। विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू वाटर। अब इलेक्ट्रिसिटी अगर वाटर से पास्ड की जाती है तो कौन सी रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो इस तरह का भी रिएक्शन में सीधे अच्छा उपाय है। इसमें पूछ रहा ऑप्शन में क्या क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन। अगर कंफ्यूजन हो रहा है, जैसे कि आप वाटर का जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वाटर स्प्लिट हो जाएगा, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, तो हमको तो आंसर तो पता है कि इसका आंसर हो जाएगा डिकम्पोजिशन। अगर आपको आंसर डायरेक्ट पता है तो डायरेक्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन करके लिखिए, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है इस तरह के क्वेश्चन में तो सबसे अच्छा उपाय है सभी का रिएक्शन लिखना, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी अगर पास हो जाता है वाटर से तो क्या होगा, तो वाटर लिखते हैं सबसे पहले H2O, ठीक है। H2O में अगर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में ये टूट जाएगा। अगर इसको रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं 2H2O, तो यहाँ पे 2H2 और ये दोनों गैसियस फॉर्म में यहाँ पे निकल जाएंगे, ठीक है, दोनों गैस के फॉर्म पे निकलेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी पास होने पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये रिएक्शन आपको देखने से क्या लग रहा है, हाइड्रोजन वाटर था, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो गया, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अगर आपको डायरेक्ट पता है तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप लिख के जाइए। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट है, कॉम्बिनेशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन क्या है, तो रिएक्शन लिखना सबसे अच्छा उपाय है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया, तो यहाँ पे ये आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेलेक्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को चूज करना है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। जो नीचे रिएक्शन दिया हुआ इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, ठीक है। इसके ऑप्शन है आयोडीन, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड और सल्फर। देखिए रिएक्शन में पूछ रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही होता है जो रिएक्शन में रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो क्या रिड्यूस हो रहा है सबसे पहले उसको पकड़ेंगे, वही होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा सब्सटेंस कोई रिएक्शन में कौन सा चीज ऑक्सीडाइज हो रहा है या कौन सा चीज रिड्यूस हो रहा है। तो रिड्यूस होने का सबसे अच्छा एग्जांपल पकड़ाता है कैसे, कि कोई भी अगर उसमें कंपाउंड या ये एलिमेंट है वो अगर रिड्यूस हो रहा है तो वो उसके साथ ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, चाहे उसके साथ हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। रिड्यूस होने का क्या पहचान है, ऑक्सीजन उससे हट जाएगा या फिर उसमें हाइड्रोजन जुट जाएगा। तो यहाँ पे आप रिएक्शन में देख सकते हैं, यहाँ पे आयोडीन के पास तो हाइड्रोजन नहीं था, यहाँ पे आयोडीन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, मतलब की पक्की बात है कि यहाँ पे जो आयोडीन है वो रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो यार रिड्यूस क्या हो रहा है, आयोडीन हो रहा है, हाइड्रोजन रिड्यूस होकर यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है, ओके। तो जो रिड्यूस होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो यहाँ पे आयोडीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। उसी तरह से जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो इसमें ऑक्सीडाइज क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन H2S अगर है तो इसमें से हाइड्रोजन रिमूव होकर सिर्फ सल्फर पर, तो H2S रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, और ये जो आयोडीन है ये रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो जो रिड्यूस हो रहा है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आयोडीन इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो लेड नाइट्रेट दिया हुआ है, इसका जो सॉलिड में था ये डिकम्पोज होके लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन टूट जाता है, ये रिएक्शन दिया हुआ है, एबव रिएक्शन दिया हुआ है। ये कौन सा एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, डिकम्पोजिशन है या डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो ये वाला जो रिएक्शन है, देख रहे हैं एक कंपाउंड है वो काफी छोटे छोटे दो तीन कंपाउंड में, तीन कंपाउंड में टूट गया, यहाँ पे लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, ऑक्सीजन टूट गया। तो ये सीधा सीधा एग्जांपल हो जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, ठीक है। यहाँ पे इसका सीधा आंसर हो जाएगा डिकम्पोजिशन, क्योंकि रिएक्शन दिया हुआ और ये डिकम्पोज हो जा रहा है, ठीक है, लेड नाइट्रेट और तीन में बट जा रहा है, लेड नाइट्रेट था, ये लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन में टूट जा रहा है, तो ये डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोजिशन एक रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू जिंक पीसेस। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अगर ऐड किया जाएगा जिंक पीसेस में तो क्या रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन गैस में देगा। तो इस तरह का क्वेश्चन है ना, तो ऑप्शन पढ़ने से अच्छा, अगर आपको आंसर आता है तो आप डायरेक्ट ऑप्शन पढ़िए और लिखिए, अगर आपको आंसर नहीं आता है
तो ये ऑप्शन पढ़ने में भी टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप सीधे सबसे पहले रिएक्शन लीजिए। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक को जिंक के साथ रिएक्ट करा रहा है, तो जिंक हो गया प्लस डाइल्यूट HCl, ठीक है, HCl लिखेंगे, इसको एक्वा सॉल्यूशन में कर देते हैं, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि एसिड के साथ अगर मेटल रिएक्ट करता है तो मेटल साल्ट बनता है, जिंक क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और जिंक क्लोराइड बनेगा, तो यहाँ पर रिएक्शन को बैलेंस भी कर देते हैं, टू जिंक यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, जिंक क्लोराइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रहा है, तो हाइड्रोजन गैस एंड जिंक क्लोराइड इज प्रोड्यूस, तो पहला ऑप्शन जो है यही सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वाई ऑक्सीडाइजिंग एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल, तो एंटीऑक्सीडेंट क्यों डाला जाता है अगर कोई फूड प्रोडक्ट है उसमें ऑक्सीडाइज एंटीऑक्सीडेंट क्यों डाला जाता है अगर उसमें फैट एंड ऑयल है, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शंस दिए हुए हैं, स्लो डाउन द ऑक्सीडेशन, फास्टेन द ऑक्सीजन, ठीक है, मेक इजली डाइजेस्टेबल या फिर मेक इट चीपर, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, तो कोई भी फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड होता है तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट अलग से मिलाया जाता है, इसलिए मिलाया जाता है कि उसकी ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो किया जाए, जिसको रेंसिडिटी भी कहा जाता है, रेंसिडिटी का ये क्वेश्चन हो गया कि एंटीऑक्सीडेंट मिलाया जाता है फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड में कि उसके ऑक्सीडेशन को स्लो, एंटीऑक्सीडेंट है ना, एंटीऑक्सीडेंट का नाम से ऑक्सीडेशन का उल्टा, ठीक है, तो ये स्लो डाउन द ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो जाएगा। अब बात करते हैं दसवें क्वेश्चन की, तो आयरन आर्टिकल आर शाइनी, ठीक है, वेनी, ठीक है, आयरन आर्टिकल कोई भी नया रहता है तो वो शाइनी चमकीला होता है, बट गेट कोटेड विथ अ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट सम टाइम, अगर कोई आयरन का नया पीस है तो वो शाइनिंग रहेगा, लेकिन कुछ समय के लिए अगर उसको हम छोड़ देते हैं तो उसमें थोड़ा सा रेडिश ब्राउनिंग कोटिंग एक जैसा लग जाता है, ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज, ये प्रोसेस जो रेडिश ब्राउनिंग उसका ऊपर जो लेयर बन जाता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो रेंसिडिटी कहते हैं, डिकम्पोजिशन कहते हैं, कोरोजन कहते हैं या डक्टिलिटी कहते हैं, तो ये जो है रस्टिंग का एग्जाम्पल है, जैसे ही आयरन को अगर हम लोग एयर और वाटर के संपर्क में छोड़ देंगे, एटमोस्फेयर में छोड़ देंगे, हवा में, खुले हवा में छोड़ देंगे, तो वाटर और एयर से रिएक्ट करके वो फेरिक ऑक्साइड बनाता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसको रस्टिंग कहते हैं, और इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग कोरोजन कहते हैं, किसी भी मेटल को अगर हम लोग छोड़ेंगे तो उसमें धीरे धीरे कोरोजन होगा, कुछ खास मेटल है जो नोबल मेटल है उनको छोड़ के तो उसमें कोरोजन होगा, तो यहाँ पे इसको सही ऑप्शन, यहाँ पे इसका कोरोजन हो जाएगा। कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन को अगर हम लोग रिएक्ट करता है तो कॉपर एंड वाटर बनता है, द अबव रिएक्शन इज ए एग्जांपल ऑफ, ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये किसका एग्जांपल, ऑप्शन में है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, एक झटके में इस तरह का क्वेश्चन को देखने में लगता है कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, कॉपर ऑक्साइड था उसमें हाइड्रोजन ऐड किए तो ऑक्सीजन और वाटर यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ से और हाइड्रोजन यहाँ पे कंबाइन होकर वाटर बना दिया और कॉपर यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, हाइड्रोजन कॉपर को यहाँ पे डिस्प्लेस कर, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, लेकिन ऑप्शन में आप देखिएगा तो डिस्प्लेसमेंट एग्जांपल का तो यहाँ पे जिक्र है ही नहीं, कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, डबल डिस्प्लेसमेंट दिया, डिकम्पोजिशन दिया, रिडॉक्स दिया, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का तो एग्जांपल है नहीं, तो थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है, तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आया तो एक चीज और देखिए, यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन भी तो है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी तो हो रहा है, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस होके कॉपर बदल रहा है और हाइड्रोजन ऑक्साइड होके वाटर में फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन साथ में साइमल्टेनियसली हो रहा है, इसलिए ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा, इसका आंसर रिडॉक्स रिएक्शन होगा। अब यहाँ पे देखिए, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू द कंपोस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ, जो वेजिटेबल मैटर है वो कंपोस्ट में धीरे धीरे अगर हम सड़ जाता है वो कंपोस्ट बन जाता है, वो किसका एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है, एक्सोथर्मी का एग्जांपल है, या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, तो जो भी वेजिटेबल मैटर धीरे धीरे कंपोस्ट में फॉर्म कर जाता है तो ये एक तरह का एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है तो इसमें एक्सोथर्मिक होगा, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो यहाँ पहले तो दिया नहीं है, इसमें एक्सोथर्मिक दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, तो इस तरह का भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए, द रेस्पिरेशन रिएक्शन इन आवर बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ, तो रेस्पिरेशन हमारे बॉडी में होता है जो कि ग्लूकोज हो गया, ये C6H12O6, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ता है और जुड़ के यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को फॉर्म करता है, ये है रेस्पिरेशन रिएक्शन जो हमारे बॉडी में होता है, रेस्पिरेशन कहीं पे भी होता है तो ये वाला रिएक्शन होता है, ओके, तो ये किस टाइप का एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, एक्सोथर्मिक है या डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है,
कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ पे हमको दिख नहीं रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं दिख रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। तो ये एक तरह का एक्सोथर्मिक है, जो भी रेस्पिरेशन होता है कहीं पे भी तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये जो जो रिएक्शन रेस्पिरेशन रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल, यहाँ पर करेक्ट आंसर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।